ये भी कहा विकसित भारत की संकल्पना के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए और ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के लिए विकसित भारत चाहिए। विकसित भारत हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल का यह प्रथम चुनाव, अब तक के किसी भी चुनाव में पहला यह चुनाव है जिसमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इन सभी बातों का उल्लेख भी किया है। मोदी जी की गारंटी इस देश के हर तबके के लोगों के लिए एक प्रमाण है, या देश की अस्मिता का हो, भारत की सुरक्षा का हो, भारत की आस्था का हो, भारत की अर्थव्यवस्था के संरक्षण और संवर्धन, इन सभी को लेकर के मोदी जी की गारंटी इस संकल्प पत्र का आधार बना है। और इसमें जिन चार स्तंभों को ध्यान में रख के कार्य किया गया है, युवा, युवा के लिए जो योजनाएं पहले से चली आ रही है, चाहे वह पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, पीएम मुद्रा की योजना हो, पीएम मिशन रोजगार का कार्यक्रम हो, इन सब के दायरे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ते हुए, पीएम मुद्रा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, उसके दायरे को जो अब तक 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा थी, अब उसको 20 लाख तक करने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी का इस संकल्प पत्र उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही नारी शक्ति के लिए मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने तक संसद और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण की गारंटी तो देता ही है, लेकिन इसको प्रभावी क्रियान्वयन भी होना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और यह अभियान आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया है। अब तक 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य किए गए थे, अभी इसके दायरे को बढ़ाने की भी बात संकल्प पत्र कहता है। और यही नहीं, जब हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब में पहली बार देश के अंदर इस देश के श्रमिक वर्ग को कहीं पहुंच पाया है, उसकी पहुंच हो पाई है। कोरोना कालखंड में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, उन्हें सुरक्षा कवर देकर के एक सुरक्षा सम्मान देने का कार्य भी हुआ, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उस समय मोदी जी की गारंटी ने दिया था। और स्ट्रीट वेंडर के लिए ठेला, खोमचा, रेड़ी और अन्य इस प्रकार के पटरी व्यवसायियों को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, उसका क्रियान्वयन पीएम स्वनिधि योजना के दायरे को बढ़ा करके, अभी तक ये नगरीय क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में भी पीएम स्वनिधि के दायरे को बढ़ा करके लाखों स्ट्रीट वेंडर को, श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन भी यह देता है, यह संकल्प पत्र देता है। इसके साथ ही अन्नदाता किसान के लिए भी तमाम योजनाएं पहले से चल रही हैं, उसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी यह संकल्प पत्र देता है। और अगर मैं कह सकता हूं कि यह संकल्प पत्र एक ब्लूप्रिंट है नए भारत का, श्रेष्ठ भारत का,
आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का। यह संकल्प पत्र घोषणा करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का, अंत्योदय से सर्वोदय का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक विकसित भारत का और ग्लोबल लीडर भारत का। यह संकल्प पत्र जिन भी सेक्टर्स को प्रतिनिधित्व करता है वे सभी मोदी जी की गारंटी पर आधारित है, और संभवतः यही कारण है कि पहला आम चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में एक आश्वस्ति का भाव पूरे देश के अंदर पहले से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, विकसित भारत के प्रति उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम मोदी की गारंटी बनेगा। इस बात को लेकर के जो गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है वह गूंज चुनाव के परिणाम के बारे में पहले से ही आश्वस्ति का भाव के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मित्रों, जो विभिन्न सेक्टर्स को यह संकल्प पत्र छूता है उसमें मैंने पहले भी बताया कि 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष तक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में इस अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ इसके दायरे को बढ़ाने